नमस्ते। लास्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था विद एक्सरसाइज। अब हमें न्यू चैप्टर शुरू करना है, चैप्टर नंबर 11, साउंड। साउंड तो नॉर्मली हमें उसका मीनिंग जनरली मालूम है कि साउंड क्या है। जो भी हम बात करते हैं, हमें जो भी सुनाई देता है, तो वो किसकी वजह से, तो कि साउंड। साउंड हमें सुनाई देता है, हम जब बोलते हैं तब साउंड होता है, अथवा तो हमारे हाथ से कोई चीज़ नीचे गिरती है तब भी साउंड प्रोड्यूस होता है। अलग अलग प्रकार का साउंड प्रोड्यूस होता है। तो साउंड के बारे में हमें डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ना है। पूरा चैप्टर साउंड के बारे में ही है। तो चलो पहले हम देखते हैं उसका इंट्रोडक्शन। Sound is something that produces the sensation of hearing in our ears. Sound क्या है? तो क्या वो कुछ है, something यानी कि कुछ है, क्या produce करता है? तो क्या हमारे ear यानी कि हमारे कान में सुनने का जो sense है ना, उसको produce करता है कौन? तो क्या sound. Every day we hear different types of sound produced by living beings as well as non-living things. हम रोज different types of sound सुनते हैं, जो कि लिविंग बींग्स प्रोड्यूस करते हैं अथवा तो नॉन लिविंग थिंग्स भी प्रोड्यूस करते हैं। अलग अलग थिंग्स, अलग अलग पीपल, अलग अलग एनिमल्स अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और वो हम पूरे दिन में बहुत सारे टाइप्स ऑफ साउंड्स हियर करते हैं, सुनते हैं। वी कैन रिकॉग्नाइज सम ऑफ देम इवन विदाउट सीइंग देम। हम कुछ साउंड तो सिर्फ क्या कर लेते हैं, फील कर लेते हैं, हम सुन लेते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि वो साउंड आया कहाँ से है, सिर्फ हमें सुनाई दे जाता है विदाउट सीइंग देम। उसे देखे बिना ही हमें उसका साउंड सुनाई दे जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए टीचर टीचिंग इन ए क्लास, साउंड का एग्जाम्पल, कि कोई क्लास में टीचर टीच कर रही है। बार्किंग ऑफ डॉग्स, डॉग्स का बार्क करना जब कुत्ते भौंकते हैं। रोरिंग ऑफ लायंस, जब लायंस गर्जने करते हैं, गरजते हैं तब। मूइंग ऑफ काउस, काउस मूइंग ऑफ काउस मतलब जब काउस काटते हैं तब उनके भी साउंड होते हैं, यानी कि अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग साउंड होते हैं और वो हम सुन सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो मेक ए वेराइटी ऑफ साउंड। ये जो भी जो पहले एग्जाम्पल दी वो लिविंग बींग्स थे, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हॉर्न ऑफ व्हीकल, व्हीकल्स होते हैं उनके हॉर्न्स में भी साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय जनरेटर, जनरेटर है उसका भी साउंड होता है। वेरियस मशीन, कोई भी मशीन है, मिक्सर ग्राइंडर है, ब्लेंडर है, फैन है, सभी के साउंड होते हैं। एरोप्लेन्स एंड वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इन सभी क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि लिविंग बींग्स एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स, दोनों में से साउंड प्रोड्यूस होता है। उसके बाद साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन देखा, अब हम देखते हैं कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? तो कि जब बॉडी वाइब्रेट करती है तब साउंड प्रोड्यूस होता है। प्ले ए ट्रांसिस्टर और ए रेडियो एट ए लाउडर वॉल्यूम। आपके घर में कोई रेडियो हो तो ट्रांसिस्टर हो, उसको तेज आवाज पे रखो, यानी कि फुल वॉल्यूम पे ऑन करो, प्ले करो। होल्ड यूअर पाम अगेंस्ट द स्पीकर ऑफ द ट्रांजिस्टर और रेडियो। मानो कि आपने अपने घर में रेडियो का फुल वॉल्यूम अप करके प्ले कर रहे हो और उसके स्पीकर पे अपना पाम रखो, यानी कि अपना हाथ रखो, तो आप क्या फील करोगे? कैन यू फील इट्स वाइब्रेशन? क्या आपको वाइब्रेशन फील होगा? तो क्या हाँ, अगर आपने किया हो तो बहुत हाई वॉल्यूम से साउंड आ रहा है उस जगह पे आप अपना पाम रखोगे तो आपको क्या फील होगा? तो क्या वाइब्रेशन। ब्लू अक्रॉस द माउथ ऑफ अ बॉटल विच इज हाफ फिल्ड विथ वॉटर। एक बॉटल ले लो जो कि आधा पानी की भर दो, उसके बाद उसके माउथ से आप फूक यानी कि ब्लो करो, एयर को ब्लो करो, फूक मारो, तो आपको उसके अंदर भी साउंड सुनाई देगा। आपने हाफ तक पानी भरा है तो उसका साउंड अलग होगा, आपने उससे थोड़ा कम भरा है उसका भी साउंड अलग होगा, हाफ से ज़्यादा 3/4 लेवल तक भरी है तो उसका भी साउंड अलग होगा। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? तो के उस ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन से। रिपीट विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर इन ए बॉटल। अलग अलग अमाउंट ऑफ वाटर बॉटल में भर के उसके माउथ से आप एयर को ब्लो करोगे तो आपको साउंड सुनाई देगा। डू यू फील द सेम वाइब्रेशन? आपको क्या सेम वाइब्रेशन सुनाई देगा? तो के नहीं, जितना पानी का लेवल बढ़ता जाएगा, डिफरेंसेस आते जाएंगे, उतना उसके वाइब्रेशन में भी चेंजेस आएंगे।
Sound can be produced by making the object move to and fro or back and forth. Sound कैसे produce होता है? तो कि कोई भी object को हम move होने देते हैं किस तरह? तो कि to and fro. To and fro मतलब यहाँ पे है तो ये to और ये fro. Back and forth मतलब आगे और पीछे. जिस इस तरह sound object को हम move होने देते हैं उसकी वजह से sound produce होता है. The to and fro or back and forth motion of an object is called vibration. और ये जो object का to and fro and back and forth motion है इसी को हम क्या कहते हैं? Vibration. When a tightly stretched band is plucked, it vibrates and produces sound. कोई भी stretchable band है, यानी कि rubber band ही रख लो, वो भी tightly stretched band है, उसको आप क्या करो? अपने fingers पे इस तरह से रख दो, tightly stretchable band. फिर उसके middle में से आप उसको pluck करोगे, उसको खींचोगे तो उसको तोड़ोगे तो भी उसका sound आपको सुनाई देगा. नॉर्मली हम रबर बैंड से खेलते हैं और बीच में से जब हम उसके साथ छेड़खानी करते उसको प्लग करते हैं तो वो टूट जाता है और साउंड प्रोड्यूस होता है और हम सभी ने साउंड सुना भी है. वाइब्रेशन इन सम केसेस, कुछ केसेस में वाइब्रेशन क्या होते हैं? तो कि कैन बी ईजिली विजिबल टू अस. कुछ केसेस में वाइब्रेशन हम ईजिली विजिबल यानी कि देख सकते हैं, लेकिन मोस्ट केसेस बहुत सारे केसेस में हम उसे क्या नहीं कर सकते, देख सकते नहीं है. इट इज़ सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी. कुछ केसेस में वाइब्रेशन इतने छोटे होते हैं कि हम देख सकते नहीं है. लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 11.1 to 11.3 टू मोर अबाउट टू लर्न मोर अबाउट वाइब्रेशन. यहाँ पे आपको एक्टिविटीज दी गई है वाइब्रेशन के बारे में ज़्यादा जानने के लिए. हम एक से दो एक्टिविटी देखते हैं, ठीक है? चलो एक्टिविटी 11.1. To show that vibration produce sound. क्या देखने के लिए? तो के हमें समझने के लिए कि vibration ही sound को produce करता है. कैसे मालूम पड़ेगा? चलो. Place some paper balls on a drum head. जो drum होते हैं जिसके ऊपर हम बजाते हैं उसका जो head होता है यानी कि ऊपर का layer, उसके ऊपर आपको some paper के balls बना के रख देने हैं. उसके बाद drum को play करना है. उसके बाद आप उसको क्या करो? Drum को play करो. वॉच द बॉल्स मूव अप एंड डाउन एज यू बीट द ड्रम. आप देख सकोगे कि जैसे ही ड्रम हम बीट करते हैं उसी तरह उसी टाइम बॉल्स भी क्या होते हैं? तो के मूव अप एंड डाउन, ऊपर नीचे मूव होते रहते हैं. ऐसा क्यों होता है? हम तो ड्रम को बीट कर रहे हैं लेकिन बीट करने की वजह से जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसी की वजह से उसके ऊपर रखे हुए बॉल्स भी क्या होते रहते हैं? अप एंड डाउन मूव होते रहते हैं. नॉर्मली जो ड्रम्स होता है उसके सरफेस में हम पेपर के बने हुए बॉल्स रख दे और फिर देखे उसको प्ले करने के बाद तो आप देख सकोगे कि बॉल्स क्या हो रहे होंगे? वो हो रहे. द साउंड ऑफ द ड्रम विल लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज द वाइब्रेशन लास्ट. उस ड्रम का साउंड कब तक आएगा? जब तक वहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है तब. वाइब्रेशन रुक जाएगा तो साउंड नहीं आएगा. वाइब्रेशन ही साउंड को प्रोड्यूस करते हैं. उसके बाद टू शो द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कैन बी चेंज्ड. अब एक्टिविटी 11.2 में हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन चेंज भी होता है, यानी कि कोई भी वाइब्रेशन हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज में चेंजेस होता रहेगा. कैसे? चलो. Attach one end of a rubber band to a fixed support like a hook. एक रबर बैंड ले लो, उसका एक एंड कहाँ पे फिक्स करना है? कोई हुक हो यानी कि फिक्स्ड जो सपोर्ट हो वहाँ पे उसको क्या कर देना है? अटैच करना है. होल्ड द अदर एंड विथ योर फिंगर, और दूसरे एंड को अपने फिंगर्स की मदद से पकड़ना है. स्ट्रेच द रबर बैंड एंड प्लक फ्रॉम द मिडल. क्या करना है? एक को मैंने यहाँ पे हुक पे अटैच कर दिया, दूसरे को अपने फिंगर से पकड़ के रखा और उसको अच्छे से खींचा, स्ट्रेच किया. उसके बाद बीच में से मैं क्या करूँगी? उसको प्लग करूँगी. तो क्या होगा? तो क्या यू कैन प्लग एट डिफरेंट पार्ट्स टू चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ साउंड. आप रबर बैंड अपने हुक में और अपने फिंगर के बीच में जो स्ट्रेच करके रखा है ना, उसके अलग अलग जगह पे डिफरेंट पार्ट्स में आप उसको प्लग करके देखोगे तो अलग वाइब्रेशन मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल के लिए
फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे रबर बैंड रखा है जिसमें मैंने दोनों साइड अपने ही फिंगर से स्ट्रेच करके रखा है। मैं बीच में से उसको क्या करूँगी, प्लग करूँ अथवा तो यहाँ से प्लग करूँ, सभी जगह पे उसकी वाइब्रेशन क्या होगी, तो क्या अलग अलग होगी। समझ में आ रहा है, यहाँ पे जितना वाइब्रेशन होगा इसे करने से वाइब्रेशन हो रहे उतना यहाँ पे नहीं होगा, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन चेंज होता रहता है। साउंड का वाइब्रेशन में जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंजेस होती रहती है। उसके बाद 11.2 साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन के थ्रू जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसके बारे में। अभी तक हमने देखा कि कोई वाइब्रेटिंग बॉडी के कारण जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसके बारे में, अब हम देखेंगे कि ह्यूमन के कारण कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड कैन बी मेड बाय वाइब्रेटिंग इन ऑब्जेक्ट। पहले हमने देखा कि साउंड किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, तो कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी वाइब्रेशन के कारण। फॉर एग्जाम्पल When a drumstick hits the drum, the flexible skin of the drum vibrates up and down, producing sound. For example, के लिए drums लिया है, जब drumstick को हम drums के ऊपर hit करते हैं तो उसकी जो flexible skin होती है ना वो up and down move होती है और vibration produce होता है, उसी के कारण sound produce होता है। Press your fingers against the front of your throat and recite a poem or a sing song or speak. क्या करना है, अपने throat यानी कि अपना गला, throat यानी कि मालूम है ना, वहाँ पे आपको अपने fingers रखनी है अच्छे से press करके यानी कि दबा के, उसके बाद आपको बोलना है अथवा तो गाना गाना है, कोई poem sing करो। और आप क्या feel कर सकते हो कि you can feel the movement of your throat, आप अपने throat के movement को feel कर सकते हो क्योंकि आपने अच्छे से press करके अपने fingers throat के ऊपर रखी, तो आप अपने throat के movement को अच्छे से feel कर सकते हो। From these examples we conclude that sound is produced by vibrating bodies. यानी कि इन सब examples से हमें ये तो पता चल गया कि sound किस वजह से produce होता है, तो कि कोई भी bodies के vibrations से, फिर चाहे वो living things हो, non-living things हो, या फिर हम खुद की ना हो, हम भी अपने throat के ऊपर finger रखेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि वो भी movement हो रहा है। This type of to and fro or back and forth motion of an object is called an oscillatory motion. और इस type के motion को oscillatory motion कहते हैं। ऑसिलेटरी में तो हमें मालूम है टू एंड फ्रो, जो पेंडुलम होता है उसका मोशन भी टू एंड फ्रो होता है, इसलिए उसको भी ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। और यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट इसी प्रकार मूव हो रहा है टू एंड फ्रो, तो यहाँ पे भी मोशन कौन सा हुआ, ऑसिलेटरी मोशन। इन ह्यूमन बीइंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स। ह्यूमन बीइंग में साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होता है, किसके थ्रू, तो के लैरिंग्स के थ्रू, अथवा तो उसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंग्स यानी कि जो हमारा बॉडी का पार्ट है यानी कि थ्रोट में लैरिंग्स इस प्रकार होता है, ये उसका वोकल कॉर्ड है। यहाँ पे जो व्हाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा है ना वो वोकल कॉर्ड, और यहाँ पे टंग होता है, ईसोफेगस एंड ट्रेक्चर। कहाँ से हम ह्यूमन बीइंग में साउंड प्रोड्यूस होता है, लैरिंग्स में से। देखते हैं किस तरह प्रोड्यूस होता है। द टू वोकल कॉर्ड्स और द लिगमेंट्स दैट आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स। इसमें ये जो टू वोकल कॉर्ड्स है वो क्या है, तो कि लिगमेंट्स है, ये इस तरह से एक दूसरे के साथ स्ट्रेच, ये एक दूसरे के साथ स्ट्रेच्ड होते हैं अक्रॉस द वॉइस बॉक्स। जैसे रबर बैंड हम स्ट्रेच करके रखते हैं उसी तरह ये दोनों भी एक दूसरे के साथ स्ट्रेच्ड होते हैं। लेकिन देखो, द वॉइस बॉक्स लीव्स ए नैरो स्लिट बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स फॉर एयर टू पास। लेकिन जो वॉइस बॉक्स होता है वो क्या करता है, इन दोनों के बीच में थोड़ी स्पेस रखता है ताकि एयर क्या हो सके, पास हो सके। इन दोनों के बीच में एक नैरो स्लिट, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, उसके बाद जितना अंदर आप जाओगे उतना क्या होगी, थोड़ी सी जगह यानी कि नैरो, बहुत थोड़ी सी जगह इसके अंदर छोड़ता है वॉइस बॉक्स, ताकि क्या हो सके, एयर पास हो सके।
When air passes through the slit, the vocal cords vibrate and produce sound. जब इसके अंदर एयर पास होती है तभी वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कि अभी आपने देखा कि आपने माउथ ही खोला नहीं लेकिन फिर भी आपके साउंड बोल सके, ऐसा कभी तरीका नहीं, क्योंकि जब हम बोलते हैं तब उसके अंदर एयर पास होती है और वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं और साउंड प्रोड्यूस होता है। मसल्स अटैच्ड टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड टाइट और लूज, और इनके सराउंडिंग में जो मसल्स अटैच्ड होते हैं उन्हीं के कारण वो टाइट और लूज होते हैं, वही वोकल कॉर्ड्स को टाइट करते हैं और लूज करते हैं। दिस चेंजेस द क्वालिटी ऑफ साउंड, और इसी के कारण साउंड की क्वालिटी चेंजेस होती रहती है। हमें मालूम है कि तो कुछ दिन हमारा साउंड अलग होता है और जब खांसी लग जाती है, जुकाम हो जाता है, तब भी हमारा साउंड चेंज होता है। किसकी वजह से? तो कि उनके सराउंडिंग में जो मसल्स है वो उनको टाइट और लूज करते हैं इसीलिए। When the vocal cord or tight and thin, जब हमारा जो वोकल कॉर्ड है वो टाइट और थिन हो, टाइट यानी क्या एकदम जकड़ के और थिन पतला हो, तब हमारा वॉइस की फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? तो के हाई होती है। एंड जब वो लूज और थिक हो, यानी कि थोड़ा ढीला और थिक हो जाए, तब हमारे वॉइस की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉइस चेंजेस विद एज, और हमारे आवाज़ की फ्रीक्वेंसी, साउंड की फ्रीक्वेंसी एज के साथ चेंजेस होती रहती है। चिल्ड्रन एंड वुमेन, इन चिल्ड्रन एंड वुमेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉइस इज हायर देन इन मैन, बच्चों में और वुमेन में, यानी कि गर्ल्स में अथवा तो लेडीज में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मैन, यानी कि जेंट्स को कंपेयर करके बच्चों में और लेडीज में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। किसकी? साउंड प्रोड्यूस करने की, यानी कि वॉइस की। तो इसमें हमें पता चला कि किस तरह हमारे लेरिंग्स में से साउंड प्रोड्यूस होता है, थ्रोट किस तरह मूव करता है, लेरिंग्स में क्या होते हैं वोकल कॉर्ड्स, उनके थिन और थिक होने की वजह से हमारे आवाज़ की फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होते रहते हैं, और उनको थिक और थिन कौन करता है? उनके सराउंडिंग में जो मसल्स है वही उनको लूज और टाइट करते हैं, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, यानी कि साउंड नीड्स ए मीडियम और प्रोपगेशन। आज का आपका होमवर्क साउंड के बारे में रीड करना, और अगर आपके पास ड्रम है तो आप उसके ऊपर ये एक्टिविटी कर सकते हैं, और रबर बैंड वाली एक्टिविटी तो कर ही सकते हैं। रबर बैंड को स्ट्रेच करके आपको क्या करना है, मिडिल में से प्लग करना है और साउंड को महसूस करना है। होमवर्क ज़्यादा नहीं है, सिर्फ समझना है, ठीक है? चलो नमस्ते।